नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस और 13 साल से कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेटर रहेगा। क्या जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेटर रहेगा, क्या रिटर्न और प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेटर रहेगा, क्या प्योर टर्म इंश्योरेंस आपके लिए बेटर रहेगा, तो कौन सा प्लान आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्या जीरो कॉस्ट में वाकई प्रीमियम बढ़ जाता है। क्या लोग ऐसा कह रहे हैं कि जीरो कॉस्ट तो आपकी काटने के लिए निकाला गया एक नया प्लान है, किसी तरीके से कंपनी आपको छूना लगाना चाहती है, इसके लिए एक नया प्लान लेकर के आई है, क्या वाकई ऐसा है। तो मैं ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि जीरो कॉस्ट टर्म प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, प्योर टर्म प्लान क्या होता है, रिटर्न और प्रीमियम टर्म प्लान क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिपल एफएस को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं कि जीरो कॉस्ट टर्म प्लान क्या होता है, प्योर टर्म प्लान क्या होता है, रिटर्न और प्रीमियम टर्म प्लान क्या होता है। एक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई आपको एक ऐसा टर्म प्लान दे रहा है जहां पे दो अलग अलग पॉलिसी आपके साथ में आ रही है, दो पॉलिसी का कंबाइन है, जहां पे टर्म प्लान का ही कंबाइन है, एक गारंटेड सेविंग प्लान का कंबाइन है, तो वो रिटर्न ऑफ ये जीरो कॉस्ट टर्म प्लान नहीं है। वो आपको जो कह रहे हैं ना चिपकाया जा रहा है, वो वाला प्लान है जहां आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। एक ऐसा प्लान जिसमें जीरो कॉस्ट प्लान वो होता है जहां स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है और एक ही पॉलिसी होती है, दो अलग अलग पॉलिसी नहीं होती है। अब समझते हैं ये स्मार्ट एग्जिट जीरो कॉस्ट टर्म प्लान कैसे वर्क करता है। जीरो कॉस्ट टर्म प्लान और प्योर टर्म प्लान दोनों एक ही पॉलिसी होती है। जीरो कॉस्ट इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको स्मार्ट एग्जिट के नाम से जाना जाता है। कैसे ये वर्क करता है आइए समझते हैं। मान लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आप जीरो कॉस्ट टर्म प्लान ले रहे हैं या प्योर टर्म प्लान ले रहे हैं, इसी आप इलस्ट्रेशन में समझेंगे। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल राजपूत है, वो 40 साल के हैं और वो 10 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हैं। पॉलिसी 40 साल चलेगी, उम्र उनकी 40 साल यानी कि 80 की उम्र तक चलेगी, 10 साल के लिए वो प्रीमियम भरते हैं, तो उनका प्रीमियम आ रहा है 72,235 इंक्लूडिंग GST 18% GST के साथ में। अब अगर आप यहाँ पे देखें विदाउट GST प्रीमियम आएगा 61,216 रुपीज, ये विदाउट GST रहेगा। अब आप देखते हैं कि ये 61,000 आपको यहाँ पे दिख रहा है 10 साल के लिए, तो आपने करीब 6,12,160 रुपए के आसपास भरे 10 साल में। आपका इंश्योरेंस कवर डेथ बेनिफिट का कॉलम देखिए, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चल रहा है और इस सब के ऊपर गारंटेड लिखा हुआ रहेगा। अब आप एक कॉलम देखिए मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, आप आखिरी वाला देखिए, आखिरी कॉलम में लिखा हुआ देखिए स्पेशल एग्जिट वैल्यू का कॉलम दिया रहेगा जिसको जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप 25 साल के बाद आप जब देखोगे ये 25वें साल पे ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखिए 6,12,160 रुपये ये आप पैसा लेकर के पॉलिसी क्लोज कर सकते हो, यानी कि 25 साल तक आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चला, आपने ये 10 साल के लिए जो भी प्रीमियम भरा वो प्रीमियम लेकर के आपने एग्जिट कर दिया, अगर आप करना चाहो तो। अगर नहीं करोगे तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू 40 साल तक 80 की एज तक चल ही रहा है, जो कि प्योर टर्म इंश्योरेंस की तरह होता है। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस भी क्या होता है कि आपके पूरे पॉलिसी टर्म तक चलता है, तो ये भी पूरे पॉलिसी टर्म तक ही चल रहा है, आपने खरीदा ही प्योर टर्म प्लान है लेकिन उसमें जीरो कॉस्ट टर्म प्लान का ऑप्शन इनबिल्ट है जिसको आप चाहो तो 25वें साल पे एक्सरसाइज कर सकते हो, आप पूरा भरा हुआ पैसा ले सकते हो और पॉलिसी क्लोज कर सकते हो। इसको बोलते हैं जीरो कॉस्ट टर्म प्लान और प्योर टर्म प्लान, ये एक ही पॉलिसी में अंतर्गत आता है, ये मैक्स लाइफ का था। इसी तरीके से आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत भी मिलेगा जहां पे प्योर टर्म प्लान का ये आपको कोरिशन मिलेगा कि मान व्यक्ति की 40 साल है, 10 साल प्रीमियम भर रहा है, 40 साल का पॉलिसी टर्म है, GST के साथ में 65,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है, विदाउट GST के साथ में ये प्रीमियम आ रहा है, फिर GST के साथ में 77,000 रुपीज़ का प्रीमियम आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यह 65,000 रुपये के आसपास भर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिसी में यहाँ पे कोई एग्जिट वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रहेगा। ये ब्रोशर है HDFC का जहाँ पे स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट लिखा हुआ है, ये अगर आपकी मिनिमम पॉलिसी टर्म 30 साल है ना तभी आपको मिलेगा, तो मैंने ऑप्शन में पॉलिसी टर्म 40 साल लिया हुआ है।
और लास्ट के 5 साल में इसको आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यानी कि 25 साल तक आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं 25 साल के बाद। तो आपकी एज अभी 40 साल पर पॉलिसी परचेज करो, 25 साल के बाद यानी कि 65 से लेकर के लास्ट के 5 साल आप एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि 80 की एज तक पॉलिसी है, तो 65 साल से लेकर के 75 साल के बीच में कभी भी आप पूरा भरा हुआ पैसा लेकर के HDFC की पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हो। तो ये 6.5 लाख रुपये, 6,55,000 रुपये भर रहे हो ना, ये आप 26वें से लेकर के 35वें साल के बीच में, 26 साल से लेकर के 35 साल के बीच में जब भी आपको निकालना हो पूरा पैसा लेकर के पॉलिसी क्लोज करके बाहर निकल सकते हैं। ये HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर के अंतर्गत है। अगर आप नहीं निकलना चाहते हो तो आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर तो चल ही रहा है, प्योर टर्म इंश्योरेंस चल रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में भी जीरो कॉस्ट स्मार्ट एग्जिट वाला ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे वही मैंने एज सेम रखा, 40 साल की एज ली हुई है, 10 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं और 40 साल का पॉलिसी टर्म यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। विदाउट GST 62,000 का प्रीमियम है, GST के साथ 75,000 रुपीज का प्रीमियम है। ये कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। ICICI में ब्रोशर में क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट। ये अगर आप मिनिमम 60 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हो और मिनिमम 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और लास्ट 5 साल में आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि अगर पॉलिसी 25 साल के लिए 5 साल लास्ट में नहीं कर सकते तो 20 साल के बाद आप इसमें ये वाला ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपकी 40 साल है, 20 साल के बाद यानी कि 60 से लेकर के 75 की एज के बीच में आप कभी भी पूरा पैसा लेकर के एग्जिट कर सकते हो अपनी पॉलिसी में से, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान में से। ये आपको विदाउट GST वाला प्रीमियम ही आपको वापस मिलता है, GST वाला अमाउंट नहीं मिलता, ये 11,000 तक गवर्नमेंट में चले जाते हैं। तो ये आपके लिए जीरो कॉस्ट टर्म प्लान या प्योर टर्म प्लान दोनों एक ही होते हैं। तो बहुत सारे वीडियो में आपको बताया गया है कि जीरो कॉस्ट वाला तो आपके लिए महंगा पड़ेगा या आपको उल्लू बनाने के लिए बताया गया है, तो ये सरासर गलत है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा प्लान बेच रहा है जिसमें मैंने आप शुरू में बताया कि दो अलग अलग प्लान हो, एक सेविंग प्लान हो एक टर्म प्लान हो, दोनों को कंबाइन कर ले, सेविंग प्लान की मैच्योरिटी आपको मिल जाए और उसको जीरो कॉस्ट बोल रहे, तो वो गलत है। लेकिन इस तरीके के ऑप्शन के साथ में आए तो वो गलत नहीं है, ना ही आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। अब अपन बात करते हैं, मैंने प्योर टर्म प्लान की बात कर ली, जीरो कॉस्ट की बात कर ली, अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि मैक्स लाइफ में वही बंदा रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, वही 40 साल की एज है, 40 साल पॉलिसी चलेगी, 10 साल प्रीमियम भरना है। तो यहाँ पे आप देखिए 87,000 का प्रीमियम आएगा GST के साथ में। पहले साल 4.5% GST है, फिर अगले साल से 2.25% GST है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में GST कम होता है, प्योर टर्म प्लान में 18% GST होता है। तो 89,000 का प्रीमियम आएगा दूसरे साल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 87,000 आप बेसिक प्रीमियम भर रहे हैं ना, तो ये आपको पॉलिसी एंड पे 40वें साल पे आपको पूरा भरा हुआ पैसा 8,77,620 रुपये आपको वापस मिल जाता है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। भरा पॉलिसी में 1 करोड़ का बेनिफिट चल रहा था, अगर कुछ हुआ था 1 करोड़ नहीं हुआ तो भरा हुआ सारा पैसा वापस। इसमें भी सरेंडर वैल्यू वगैरह ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको आप सरेंडर करके भी पॉलिसी में से पैसा लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और इसमें रिटर्न RPU का बेनिफिट भी मिलता है। RPU मतलब रिड्यूस पेड अप, कि मान लो आपने 10 साल भरना था, 5 ही साल भरा, तो यानी कि 50% भरा, तो 1 करोड़ का 50% कितना हो, 50 लाख रुपए। तो बाकी के साल के लिए आपका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चलेगा, और यहाँ पे जो मैच्योरिटी पे आपको 8,77,000 आ रहा था उसका 50% आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो ये RPU वाला फीचर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न और प्रीमियम में मिलता है, नॉर्मल प्योर टर्म प्लान में नहीं मिलता। तो RPU बेनिफिट भी आप ले सकते हैं रिटर्न और प्रीमियम में। तो मैक्स लाइफ में आपको ये बेनिफिट हो गया। ये कहिए अगर HDFC वाला पॉलिसी में अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए 84,000 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है, और एंड में भरा हुआ 8,41,000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। इसी तरीके से ICICI में इनबिल्ट प्लान नहीं है, अलग से एक प्लान है रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके प्लान है, जिसका नाम है आई प्रोटेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके। तो यहाँ पे अगर 40 साल के लिए प्रीमियम लेते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा महंगा रहेगा ये वाला प्लान, यहाँ पे आपको करीब 1,12,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। तो कंपैरिजन करना भी आपके लिए एक बेनिफिशियरी रहेगा कि आपके लिए कौन सा वाला प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला, जीरो कॉस्ट वाला या प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो आप तीनों कंपैरिजन करके देख सकते हैं। एक और मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो जीरो कॉस्ट प्योर और तीनों में नहीं आता, मैं अपनी तरफ से आपके लिए ऐड कर रहा हूँ
कि सपोज अगर आप रिटर्न और प्रीमियम टाइप प्लान देख ही रहे हैं ना, तो आप इस तरीके का प्लान देखिए, लाइक स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान, ये HDFC का है, ICICI में प्रोटेक्ट एंड गेन है, टाटा में परम रक्षक करके उस तरीके का भी प्लान देख सकते हैं। जहाँ पे आप देखिए, अगर आप 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें, मैं राइडर का प्रीमियम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्योर टर्म में भी आप राइडर लेंगे तो वहाँ पे भी अलग से प्रीमियम आएगा। तो 1,00,000 का अगर प्रीमियम आप भर रहे हैं तो आपका 1,00,000 तो वैसे भी इंश्योरेंस कवर हो ही रहा है, और 40 साल के बाद वहाँ पे तो भरा हुआ पैसा आपको 10,00,000 के सामने 10,00,000, 8,00,000 के सामने 8,00,000 वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट बेस्ड रिटर्न मिलेगा। और फंड एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको 67,00,000 रुपीज मिल रहा है, ये 8,00,000 वापस नहीं आ रहा है, ये 10,00,000 वापस नहीं आ रहा है, आपके प्रीमियम का 6.7 times आपको वापस मिल रहा है। तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा, जीरो कॉस्ट प्योर रिटर्न ऑफ प्रीमियम या इक्विटी प्लस टर्म, ये इनबिल्ट है, दो अलग अलग प्लान नहीं है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी प्लान लेने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अनिल राजपूत 9909403412। इतने अच्छे से बताया, जाते जाते यार यूट्यूब का चैनल तो लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, थैंक यू सो मच।